Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is Professor Zahid Al-Ashari, MPhil scholar from Mehran University. You are with Anil-Me Sadiq, with Sir Zahid Al-Ashari. So today we study about matrices. In previous lectures, we have discussed different types of matrices and matrix what are called as matrices. So today we discuss more about matrices. So in previous lecture, we have discussed square matrix, rectangle matrix, diagonal matrix or unit matrix. आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे transpose of matrix. Transpose of matrix. Transpose of matrix या matrices. तो सबसे पहले जो अहम बात है वो ये है कि ट्रांसपोज क्या चीज होती है. क्या ट्रांसपोज क्या चीज होती है? तो ट्रांसपोज का मतलब ये होगा कि किसी चीज को कन्वर्ट करना हो, किसी चीज को चेंज करना हो, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का यूं भी मतलब एक होता है कि किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, तो इसका मतलब भी ट्रांसपोज का ही निकलता है. तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस. तो मैट्रिसेस जो डिस्कस कर रहे हैं तो मैट्रिसेस के अंदर एक टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस. सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, इसमें ये डिस्कस होगा कि एक हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होगा, उस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, उनके रोज को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में चेंज करेंगे, तो वो जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. और उसको हम इस तरह लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, उसको सुपरस्क्रिप्ट में टी लगा देते हैं. तो ये हो गया क्या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. पहले क्या था, एक मैट्रिक्स गिवन था, ए इज अ मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल, उसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 5, 7, 6, 2, -3, -4. ये एक मैट्रिक है जिसके तीन रोज और तीन कॉलम्स हैं. जो इस मैट्रिक का जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3x3, क्योंकि इसमें तीन रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं. तो ए मैट्रिक का जो ऑर्डर है वो है 3x3. ओके, तो इसको हमें क्या करना है, हमें इसे चेंज करना है, ट्रांसपोज करना है मैट्रिक को. मींस रोज को कन्वर्ट करना है कॉलम्स में और कॉलम्स को चेंज करना है रोज में. तो ये जो फाइनल मैट्रिक बनेगा ए ट्रांसपोज वो ये हो जाएगा. इस तरह ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक बराबर हो जाएगा. अब रो क्या है, 1, 2, 3, तो इस तरह इसको हम लिखेंगे 1, 2, 3, और सेकेंड रो 5, 7, 6, थर्ड रो 2, -3 और -4. ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. इसमें अहम चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब कभी भी आप ट्रांसपोज करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को, तो उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो कभी भी चेंज नहीं होंगे. डायगोनल प्रिंसिपल, डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो कभी भी चेंज नहीं होंगे. डायगोनल कौन से एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है 1, 7 और -4, ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट. अब यहां पर भी देखें तो डायगोनल एलिमेंट कौन से, 1, 7 और -4. और आफ्टर ट्रांसपोजिंग मैट्रिक ए इनटू ए ट्रांसपोज अगेन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनी कि जब भी कभी हम किसी मैट्रिक को ट्रांसपोज करेंगे, मींस उसके रोज चेंज करेंगे कॉलम्स में और कॉलम्स को जब हम रोज में चेंज करेंगे, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो कभी भी चेंज नहीं होंगे. इस तरह भी हम कह सकते हैं जिस वो एलिमेंट किसी मैट्रिक के जिनका ऑर्डर सेम हो, मींस ऑर्डर कैसे सेम हो उनका, जिसका रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. अगर वन एक इस मैट्रिक की, इस एलिमेंट की पोजीशन हम फाइंड करना चाहें, तो इसकी जो पोजीशन है वो है A11, मींस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम. अगर हम इस एलिमेंट की पॉइंट पोजीशन करना, पॉइंट लोकेट करना चाहें 7 की, तो वो ये है A22. और इस एलिमेंट की एंट्री की हम अगर पोजीशन फाइंड करना चाहें,
तो माइनस फोर की जो पोजीशन है वो है ए थ्री थ्री। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि जब कभी भी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज मींस आई बराबर हो जे के, आई बराबर हो जे के, अगर आई का वैल्यू वन है तो जे का वैल्यू क्या होगा, जे का वैल्यू भी वन होगा। अगर आई का वैल्यू टू है तो जे का वैल्यू भी टू हो जाएगा। इस तरह के जो एलिमेंट बनेंगे वो सारे ट्रांसपोज में सेम ही रहेंगे, उनकी पोजीशन कभी भी ट्रांसपोज से चेंज नहीं होगी। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये है कि हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब जो है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने ये सीखा था कि कोई एक नंबर गिवन होगा जो पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे, कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, कौन सी एरिया है जहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और कैसे उन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो ये हैं कि एक पॉइंट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हम ए लिखें या फर्स्ट मैट्रिक्स लिखें, बस फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल हो रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लीकेशन जो है वहां पे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब यह है कि जब दो मैट्रिक्स गिवन होंगे उनके नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक, नंबर ऑफ रोज है और रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक अगर कहीं पे बराबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अब देखें कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक है जिसके एलिमेंट हैं 1, 3, 5, 6, 7, 8 और बी मैट्रिक है जिसके एलिमेंट है 1, 9, 8, 7, 2, 3 7 to 1 है। देखना यह है कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक किसके इक्वल हो, रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक, इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, 1, 2 और 3, इसमें रोज कितनी है, 1 और 2। अब अगर मैं यहां पे लिखूं ए का ऑर्डर वो है 2/3 और बी का ऑर्डर है 2/3, मैं ये कह रहा हूं मल्टीप्लीकेशन में कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक अगर बराबर होंगे तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगी, वरना पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी। अब देखें कि सेकंड एलिमेंट जो है वो रो कॉलम कहलाता है और फर्स्ट एलिमेंट रो कहलाता है। अब ये यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, जब ये दोनों आपस में इनका जो कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। अगर इसी का हम अगर ऑर्डर यहाँ पे लिख ले, आगे कुछ एलिमेंट लिख लेते हैं भाई 1, 3 और 5, तो अब इसका ऑर्डर जो बन जाएगा वो बनेगा 3/3, इसके कॉलम और इसके रोज, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज अब आपस में बराबर है तो अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन होगी। कैसे करेंगे आइए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक, फर्स्ट मैट्रिक लिखेंगे पहले 1, 3, 5, 6, 7, 8, अब दूसरा मैट्रिक बी 1, 9 8
सेवन टू वन वन थ्री फोर फाइव, ठीक है, कैसे करेंगे? अब क्या करें, अब देखना है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म होती है। पहले तो हमने क्या सीखा था, पहले हमने सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस किया कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी, कौन सी एरिया है, कौन से पॉइंट्स हैं जो हम किसी मैट्रिक्स में देखें कि वो देखकर बता सकें कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर बात अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है तो उसके बाद आता है क्वेश्चन कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब वही हम कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, पहले मैट्रिक्स हमने जो लिए थे उनमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं थी, अब फिर हमने दूसरा उसको चेंज किया उसको ऑर्डर, तो फिर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल आ गई। और हम अब जो कर रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, यही देखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक का रो लेंगे, सेकेंड मैट्रिक के जितने भी कॉलम हैं उनके साथ उस फर्स्ट रो को सारे कॉलम्स के सारे कॉलम किसके, बी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखें कि वन मल्टीप्लाई बाय वन, आगे हम कैसे लिखें इनको, ये आगे अगर फर्स्ट एलिमेंट हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकेंड के बाद सेकेंड एलिमेंट लेने से पहले हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गई। अब फर्स्ट रो ही लेंगे फर्स्ट मैट्रिक की, लेकिन सेकेंड मैट्रिक का सेकेंड कॉलम होगा वन मल्टीप्लाई बाय नाइन प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री। अब सेकेंड कॉलम के साथ भी होंगे, जितने भी कॉलम होंगे उन सारे कॉलम्स के साथ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वन मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एट प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव। नेक्स्ट सिक्स, नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट रो लेंगे और इसी तरह सेम प्रोसेस के तहत फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, सेकेंड रो कॉलम मैट्रिक्स के फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, फिर सेकेंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, जैसे हमने पहले किया है। सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन प्लस सेवन मल्टीप्लाई बाय सेवन प्लस एट मल्टीप्लाई बाय वन, इस तरह सेकेंड कॉलम के साथ सिक्स मल्टीप्लाई बाय नाइन प्लस सेवन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस एट मल्टीप्लाई बाय थ्री, आगे सेकेंड कॉलम के साथ भी हो गया सिक्स मल्टीप्लाई बाय एट प्लस सेवन मल्टीप्लाई बाय, यही हमने सेवन लिया, सेवन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस एट मल्टीप्लाई बाय फाइव। नेक्स्ट हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वन मल्टीप्लाई वन वन प्लस सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन प्लस फाइव वन जो फाइव वन नाइन जो नाइन थ्री टू जो सिक्स फाइव थ्री जो फिफ्टीन वन एट जो एट थ्री एट जो ट्वेंटी फोर फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव सिक्स वन जो सिक्स सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन एट वन जो एट सिक्स नाइन जो फिफ्टी फोर सेवन टू जो फोर्टीन एट थ्री जो ट्वेंटी फोर सिक्स एट जो फोर्टी एट सेवन वन जो सेवन एट फाइव जो फोर्टी, इस तरह। आगे हम लास्ट में हम इनको सम अप करेंगे, वन और ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू और ट्वेंटी टू और फाइव ये हो जाएंगे ट्वेंटी सेवन, इस तरह नाइन और सिक्स फिफ्टीन फिफ्टीन और फिफ्टीन थर्टी एट और ट्वेंटी फोर थर्टी टू थर्टी टू और ट्वेंटी फाइव फिफ्टी सेवन हो जाएंगे, सिक्स और फोर्टी नाइन ये हो जाएंगे फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव और एट सिक्सटी थ्री, इस तरह फिफ्टी फोर प्लस इसमें करेंगे चौदह तो ये हो जाएंगे सिक्सटी एट सिक्सटी एट और सेवेंटी ट्वेंटी फोर तो ये हो जाएंगे आई थिंक नाइन्टी टू और ये फोर्टी एट प्लस सेवन फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव प्लस फोर्टी नाइन्टी फाइव, ये हुई आपकी मल्टीप्लिकेशन, इस तरह हम करेंगे। अब देखना यह है कि इनमें कौन सी एक पॉइंट होगी इंपॉर्टेंट, कौन सी पॉइंट है, क्या हम देख सकते हैं या कोई एक ऐसी पॉइंट जो इसको जिसको हम याद कर लें और हमें मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाए।
एक तो ये चीज है कि फर्स्ट मैट्रिक की जो फर्स्ट रो होगी, सेकंड मैट्रिक के जितने भी कॉलम के कॉलम्स होंगे उनके सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय वन, जिस तरह मैंने किया है। अब नेक्स्ट जब हम रो लेंगे फर्स्ट कॉलम की, तो उसमें जो नंबर्स आएंगे सेकंड उसके क्या बोलते हैं वैल्यूज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, फर्स्ट में हमने फर्स्ट कॉलम के साथ किया था। तो जैसे ही हम सेकंड रो लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की, तो उनके एलिमेंट सेकंड कॉलम के सेकंड मैट्रिक्स के वैल्यूज चेंज नहीं होंगे। जैसे हम देख अब यहाँ पे देखें, वन मल्टीप्लाई वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई सेवन प्लस फाइव मल्टीप्लाई वन, ये जो एलिमेंट हैं ये है बी के, ये बी यहाँ पे इसको मैं वन कर दूं, बी टू और बी थ्री, ठीक है। तो इसी सेकंड जो हमने रो लिया है सेकंड फर्स्ट मैट्रिक का और उसके साथ मल्टीप्लाई किया है सेकंड मैट्रिक के फर्स्ट कॉलम के साथ, उसी में ये नंबर चेंज नहीं हो रहे। अब देखें इसमें भी बी वन का वैल्यू वन है, तो यहाँ पे देखें वन है, यहाँ पे सेवन है, यहाँ पे भी सेवन है, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे भी वन, इस तरह यहाँ पे देख लें टू, ये भी टू, ये थ्री, ये भी थ्री हो गया, और यहाँ पे एट है तो ये सेकंड में भी। इस चीज को याद रखना है कि अगर आप की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो के साथ जितने भी कॉलम है सेकंड मैट्रिक के, तो अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो उन वो सही कर दिए आपने, तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड थर्ड स्टेप में जितने भी फर्स्ट मैट्रिक के रोज होंगे तो वहां पे वो रोज के ही एलिमेंट चेंज होंगे, बाकी जो है सेकंड मैट्रिक के वैल्यूज चेंज नहीं होंगे। तो ये थी अब तक के लिए हमारी मल्टीप्लिकेशन जो आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।